Hey guys, welcome back to my channel. It's me Neelu. First, in this video, I'm going to share with you the difference between contour and bronzer. Like basically, दोनों का काम same होता है, but दोनों को जो use हम करते हैं वो different ways में करते हैं, अलग अलग step में करते हैं, वो मैं इस video में आपको बताऊंगी. So skip मत कीजिएगा, video को आप complete देखिए. वीडियो पसंद आती है तो आपको करना है वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. सो यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं ऐड करना चाहूंगी. कॉन्टोर जो होता है ब्रॉन्जर दोनों का काम सेम होता है बट एक क्रीम टेक्सचर लिक्विड फॉर्मेट में होता है, दूसरा जो होता है वो पाउडरी या फिर शिमरी शेड में होता है. बट इसे वर्क कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. अभी तक मैंने यहाँ पर बेस रेडी किया है, फाउंडेशन तक अप्लाई किया है. अभी तक मैंने पाउडर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है बेस को सेट करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली जो वीडियो है ये है कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर के ऊपर. कि आप जब बेस बना लेते हो, लाइक आप फेस में फाउंडेशन अप्लाई करते हो, उसके बाद आपके जो भी डायमेंशन होते हैं, जो भी स्कल, जो भी हमारा फेस का शेडो होता है वो एकदम हाइड हो जाता है, कवर होता है. जैसे उससे थोड़ा शार्प लुक के लिए हमें कॉन्टोर का पार्ट जो है अप्लाई करना पड़ता है. इसे हम तभी यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद जो है मैं ये यूज करूंगी. और ये हम कब कब यूज करते हैं, अगर आपको कॉन्टोर बहुत ही शार्प लुक चाहिए, या फिर आप शादी में जा रहे हैं, या आपकी ब्राइड को अगर आप रेडी कर रहे हैं, अगर आपके क्लाइंट को आप रेडी कर रहे हैं, तो उसमें हमें लिक्विड और जो क्रीम टेक्सचर वाला जो कॉन्टोर है वो करना जरूरी होता है. ताकि वही तो एक दिन होता है जिसमें आप लाइक जो ब्राइड है आपके उसे अच्छे से लाइक ना अच्छे से उसे रेडी करें और आपको उसमें अप्रिशिएट भी किया जाए, तो उस पार्ट में हम लोग करते हैं. या फिर आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई भी स्पेशल टाइम पे जब आप टोटली प्रो दिखना चाहते हो तो ये पार्ट कर सकते हो. सो ब्रॉन्जर के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी 03 शेड लूंगी. ये मैंने स्टोर से लिया था, ये अंडर 250 रुपीज में मिला था. इनफैक्ट मैं अभी जितने भी वीडियोस में यूज करती हूँ तो मैं इस कॉन्टोर के बारे में बेसिकली सबको बोलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ब्रॉन्जर. और ये है फाउंडेशन, या फिर आप कोई भी लिक्विड क्रीम टेक्सचर वाला जो भी आपके स्किन टाइप से डार्कर शेड है, दो शेड डार्कर है या चार शेड डार्कर है, वो आप यूज कर सकते हो. बेसिकली हमें जो शेडो क्रिएट करना पड़ता है, डायमेंशन देना पड़ता है उस बेस के लिए. तो स्टार्ट करते हैं इससे. तो ये मेरा नेचुरल है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी. एंड अपने नोज को भी. ब्लेंडर, इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दीजिए. तो इसे जस्ट ऊपर की साइड ब्लेंड कीजिएगा ऐसे. तो ये है क्रीम टेक्सचर वाला कॉन्टोर जो कि मैंने किया है. तो ये मेरा यहाँ पर हो चुका है. नेक्स्ट ब्रॉन्जर किसे कहते हैं. ब्रॉन्जर बेसिकली हम लोग बेस सेट करने के बाद यूज करते हैं, लाइक इसके बाद मैं पाउडर से सेट करूंगी, उसके नेक्स्ट जो है मैं ब्रॉन्जर यूज करूंगी. और क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमें बेस यानी कि पाउडर सेट करने से जस्ट पहले करना पड़ता है, बिकॉज ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में होता है, ये क्रीम टेक्सचर में होता है. अगर आप पाउडर की बात करेंगे फिर वो केकी होने के चांसेस होते हैं. तो इसे हमने जैसे अप्लाई कर दिया, अब मैं इसे पाउडर से सेट करूंगी. मैं बटर कप का पाउडर ले रही हूँ जिसका शेड है येलो टोन पे होता है एक्चुअली. सो इसे मैं थोड़ा सा अपने अंडर आई को थोड़ा सा बेक करूंगी. सो ये जब तक बेक हो रहा है बाकी मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने बेस को सेट कर लूंगी. तो इससे आपको स्वेट इश्यू भी नहीं रहेगा, अभी जैसे समर आ चुका है तो मेकअप केकी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. सो जस्ट इसके ऊपर मैं पाउडर से सेट कर लेती हूँ.
सो ये जब तक बेक हो रहा है, नेक्स्ट होता है ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया, ब्रॉन्जर क्या होता है, शिमरी टेक्सचर का होता है, ये बेसिक लाइक पाउडरिंग फॉर्मेट में नहीं होता है। वैसे आप यूज कर सकते हैं कोई भी ब्राउन शेड अगर है उसे आप एज अ ब्रॉन्जर यूज कर सकते हैं कॉन्टोर पार्ट के लिए, वो इस स्टेप में पाउडर सेट करने के बाद आप ये ट्राई कर सकते हैं। जो ब्रॉन्जर है वो आपको थोड़ा सा शिमरी मिलेगा, सो इसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जस्ट आप चेक कर सकते हैं कि कैसे इसमें शेड आ रहा है और कितना शिमरी है। सो ये लाइक अगर आप कॉन्टोर करते हैं उसके बाद आप ब्रॉन्जर करते हैं, जो भी कॉन्टोर एरिया है बहुत ही प्रो दिखने वाला है। अगर आप सिंपली चाहो तो क्रीम टेक्सचर वाला कॉन्टोर पार्ट को स्किप कर सकते हैं रेगुलर किसी भी फंक्शन में जाने के लिए, तो आप डायरेक्ट अगर जंप करते हैं इसके ऊपर वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, डिपेंड करता है। बट आप बहुत ही अच्छे बड़े फंक्शन में जा रहे हैं तो आप ये दोनों पार्ट जो है इजीली कैरी कर सकते हैं। सो अगर आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, मैं इसी ब्रश से ही कॉन्टोर पार्ट करूंगी लाइक जो भी, क्योंकि ये पाउडरी टेक्सचर है सो पाउडर के बाद मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने बेक के लिए कर दिया है, ये आप उसी केस में कीजिए जब आपको बहुत ही शार्प लुक चाहिए आपके कॉन्टोर पार्ट, या फिर आपका ये थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग हो चुका है तो इससे क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा लिफ्ट मिल जाता है। ये पार्ट वही लोग करें जिनके जो चीक्स हैं बहुत ही फ्लैट हो या स्किनी टाइप का हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाता है। मेरे जैसे अगर चबी लोग करेंगे तो आपका जो फेस है और थोड़ा सा चबी दिखेगा, बट मुझे इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाना था इसलिए मैं ये चीज आपको दिखा रही हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जस्ट रखूंगी, उसके बाद डस्ट ऑफ कर दूंगी। सो आई जॉन्डराइज है इसे जस्ट मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ पहले। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप मैंने आपके डाउट्स जो है कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर में क्लियर कर दिया है। सो कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा अगर कोई और डाउट है इसी से रिलेटेड, मैं कमेंट में ही आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी, या फिर कोई क्वेश्चन हो वही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।